सरहा प्रखंड के सरहा सोमर गांव पहुंचने में लोगों को होती है परेशानी। ग्रामीणों के अनुसार एक साल पूर्व सरहा सोमर गांव के गिरजा टोली जाने वाली पहुंच पथ पर अत्यधिक बारिश बहने के कारण आवागमन पूरी तरह से कट गया है। गांव दो भागों में बट गया है। गांव का दूसरा हिस्सा गिरजा टोली जाने या आने के लिए घुटनों भर कीचड़ में पैदल घुसकर पार होना पड़ता है। गांव प्रखंड मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताया गया है कि सरहा सोमर गांव जाने वाली पहुंच पथ पिछले साल अत्यधिक बारिश के कारण बने पुलिया के अप्रोच रोड बह गया है और रोड बहकर काफी गाढ़ा हो गया है और सड़क कट गई है, जिससे सरहा सोमर गिरजा टोली पहुंचने लोगों को काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए गांव के वार्ड पार्षद मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों सहित प्रखंड प्रशासन को आवेदन दिया गया। इसके साथ ग्राम सभा में पास करके योजना की सूची में भी चढ़ाया गया, किंतु जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का आलम कि आज गांव पहुंचने के लिए सड़क नहीं बन पाई है। गांव में जब कोई बीमार होता है तो उसे खटिया में टांग कर ले जाना पड़ता है। गांव के विजय किम्बलो उमलन गुंडू ज्वलित केरकिट्टा प्रतिबंधी केरकिट्टा आदि ने प्रशासन से जल्द ही सड़क पर वार्ड करने की मांग की है। देखिए, हम लोग सरासर गाँव का हूँ, मेरा घर उसी जगह है उड़ीसा में, और बोल रहे हैं कि मेरा घर आने जाने बहुत दिक्कत है पैदल भी, और बलबा से करीब होता है 15-20 किलोमीटर हो सकता है, उसे तो देखे नहीं है लेकिन होगा 15-20 किलोमीटर। उसके बाद देखिए, मेरा घर नज़दीक गांव है तो नाला है, उसमें पुल तो है लेकिन बहुत ही गड्ढा हुआ है, पुल के साइड में गड्ढा करते हैं, पैदल आने जाने बहुत दिक्कत होता है, उसको बहुत समस्या है। क्या बोलते हैं, खुद ही पैदल भी यार नहीं पार आर पार नहीं होंगे बरसात में, कोई उपाय तो कीजिए। और जिला प्रशासन से अनुरोध कीजिए कि तुरंत ये हम लोग का ये को किया जाए। R9 भारत के लिए कालो खलको की रिपोर्ट, बोलवा सिमडेगा से। भारतीय जनता पार्टी मंडल बरवाड़ी के नेतृत्व में बरवाड़ी के चर्चित पहाड़ी शिव मंदिर के परिसर में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत मंदिर परिसर के अगल बगल पड़े प्लास्टिक को चुनकर एक जगह जमा किया गया और उसे माचिस मार कर जला दिया गया। साथ ही साथ मंदिर के फर्श के साथ साथ सीढ़ी को भी साफ किया गया। इस कार्यक्रम प्रभारी पारस जायसवाल भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह उद्देश्य कि हमारे देश को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम युवा पीढ़ी पर छोड़े हैं। युवा पीढ़ी स्वच्छता अभियान चलाकर हर जगह स्वच्छता को मिसाल बनाए और अपने देश को हर संभव स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभाया। मंडल उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि स्वच्छता ही हमारे देश की पहचान बनेगी। मंडल महामंत्री मनोज प्रसाद ने सफाई अभियान के दौरान लोगों से अपील की है कि हम सभी भारत माँ की संतान हैं, हम सभी इस भारत माँ को स्वच्छ रखने का अहम भूमिका निभाएं, और मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि यहाँ वहाँ किसी भी तरह के प्लास्टिक को नहीं फेंके, उसे कूड़ेदान में डालें ताकि किसी भी जगह को स्वच्छ रखा जा सके। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनोज यादव, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार, युवा मोर्चा मंत्री चंदन कुमार सिंह, गौरव कुमार के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित। R9 भारत के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट, लातेहार से।